नमस्ते आंटी, मोहित घर पर आ गया? हाँ, अंदर ही बैठा है। कुछ खाओगे बेटा? हाँ आंटी, एक मस्त रफ चिक पिज्जा कर दो। प्लेन मैक्रोनी ले आना, पे बर्गर और आंटी एक पैटीज भी कर दो। पैटीज, हाँ मजा आ जाएगा। एक वो तो ना, एक पास्ता हो जाएगा, एक चौमिन हो जाएगा और एक छोले भटूरे। और कुछ मीठे में भी चाहिए आंटी? मीठे में तो गुलाब जामुन या आइसक्रीम कुछ भी ले आना। इतनी ठंड में? चलो आंटी ले आना। अरे सालो लुच्चो बुकड़ो की औलादो, सारा खाना आज ही खाओगे क्या? क्या नहीं बनाती? और मोहित तू भी सुन ले, अगली बार से इन्हें खाना खाना होना तो लंगर ले जाइयो, इधर मत लाइयो। सालो लुच्चो। जब भी तुम घर आते हो ना और मम्मी कुछ खाने के लिए पूछे, चुपचाप मना कर दिया करो, तो मम्मी तुम्हें अच्छा समझेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। उई 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 उई, तेरे भाई ने पता कितना कमाल का काम किया। कमाल का काम तू बता ना यार, तू गैस करना यार। चुपचाप बता दे यार, दिमाग खराब ना कर। नहीं यार, प्लीज यार गैस करना यार, प्लीज गैस कर। तू पांचवी बार फेल हो गया। नहीं, तेरे बचपन में जो 5 रुपए खोए थे वो मिल गए क्या? नहीं यार, यार थोड़ा दिमाग पे जोर लगा, फिर से पिट गया होगा गर्ल्स कॉलेज के बाद। सारा लड़की को छेड़ता रहता है। नहीं यार, तो तू ही बता दे। हार मान गए तुम दोनों? हाँ मान गई। तेरे भाई ने ना लड़की को प्रपोज मारा है। तो उसमें क्या बात है, ये तो हर मिनट में नई लड़की को प्रपोज मारता रहता है। भाई कोई ऐसी बात बता जो हमें पता नहीं हो। अरे नहीं यार, उसने भी हाँ कर दी है। वेट अ मिनट, फिर किसी एंजल प्रिया ने हाँ तो नहीं कर दी किसी फेक आईडी से और तू छल रहा हो? अरे यार फेस टू फेस बात हुई है और उसके हाथ में, अरे यार छी 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 छी, मेरा हाथ। ओह, और दोनों पार्क में बैठे रहे। अरे मोहित भाई, अब तो चुप हो गई, अब तो बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्या बात है? अरे भाई यार कुछ नहीं आ रहा था, मजाक कर रहा था। तो फिर नाम तो बता उसका। पक्का बता दूं? बताता है कि मुंह तोड़ूं। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम नेहा है। बता तो अभी तक कहाँ का बात चली है? मैंने तो उससे एक हफ्ते पहले ही प्रपोज मारा था। अभी तक तो मैं उसके साथ बहुत जगह घूमने गया हूँ। अभी तो हमें कॉफी, पार्क, थिएटर, कितनी जगह गए। अभी तो उसका फोन भी आएगा और हम दोनों स्विमिंग पूल जाएंगे। अरे भाई पागल है क्या भाई, इतनी ठंड में गया ना स्विमिंग पूल, सब कुछ छोटा हो जाएगा। नहीं, उसने कहा था कि कोई एडवेंचरस चीज करनी है, तो मैंने कहा चलो यही सही। नहीं, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। सीरियसली स्विमिंग पूल? अरे भाई अभी तो पूल में बर्फ जम गई होगी। इससे अच्छा तो उस पर आइस स्केटिंग कर लो। यार पहली बार तो कोई गर्लफ्रेंड बनी है, जो रहा है सही हो रहा होगा। क्या पता यार, वो तेरे को घुमा रही हो। भाई लड़की का नाम नेहा बोला ना तूने, थोड़ी देर रुक, तेरे लिए सरप्राइज है। अर्श अर्श, अरे रुक यार, थोड़ा काम कर रहा हूँ। ओह मोहित, लगता है ये भी अपनी बंदी सेट कर रहा है। और भाई ना तू सुन ले यार, बंदी और फुलझड़ी को हम कभी घुमाते नहीं, क्या पता कब जलाकर खाक कर दे। ओए 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 ओए, उसी का ही फोन है। किसका? चंदुकमन वाले का? अरे नहीं, नेहा का फोन आया है। अरे भाई तेरा फोन उठा ना, और मोहित देख देख के ना मजा आएगा। क्या? कुछ नहीं यार, बस तू फोन उठा। हेलो हेलो लपू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो बेबी। एक्चुअली मैं तुम्हें इसलिए डेट कर रही थी क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, पर अब सब ठीक है, उसने मुझे सॉरी भी बोल दिया है। और मैं भी तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ, आर रिलेशनशिप कैन नॉट गो लॉन्गर, बट यू कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड, बाय। भाई तेरी नेहा की सारी के सारे बॉयफ्रेंड की लिस्ट तेरे हाथ में पकड़ा दी मैंने। और तू जगह पे नमक छिड़क ले। अब समझ आई, तभी मैं इन सब चक्रों में नहीं पड़ता। सारे पैसे उड़ा दिए मैंने इस पे। अबे तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे स्कूल की फीस भरने के। जो तूने 2000 रुपए नहीं दिए थे मेरे को। हाँ तो उड़ा दिए। सारे उड़ा दिए। चॉकलेट टेपर उसे। क्या उसे? उसे क्या? वो होती है ना फरारी रशर, वो 800 रुपए वाली। अबे वो फरारी रशर होता है जिस जिसका नाम मैं भूल नहीं सकता। इतनी महंगी चॉकलेट मांगी थी उसने, मैंने एक एक पाई जोड़ के हार्ड ड्राइव लेने के लिए पैसे कलेक्ट करे थे, और तूने
आग लगा दी। सॉरी। पर तूने तो कहा था कि तेरे स्कूल की फीस के लिए चाहिए। हाँ पर पापा ने पैसे भेज दिए थे। तो तू वापस दे देता। अबे तेरे को पैसे की पड़ी है, मेरा तो दिल टूटा है। तभी मैं कहता हूँ कि दिल का और खिड़की का दरवाजा कभी खुला मत रखो, जब आंधी आएगी तो सब। मतलब? अरे पगले, वर्ड्स पर नहीं इमोशन पर जाए, इमोशन पर। तभी मेरा फंडा क्लियर है, मैं और मेरे भैया जाते हैं गर्ल्स कॉलेज के बाहर और लड़कियां ताड़ते हैं एकदम। तो हेलो हेलो, वो आपको गलती से फोन लग गया था, दरअसल वो किसी और को बोलना था, तो हम अभी भी रिलेशनशिप में हैं। बाय। अरे भाइयों, मैं तुमको भी बता रहा हूँ, लड़कियों ने ना लड़कों को च्युइंगम समझ रखा है, जैसी टेस्ट करना नहीं। और वेलेंटाइन्स डे पर गर्ल्स कॉलेज है ना।